أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my dear students I'm Dr. Mateen Department of Physics Islamic College Peshawar today we are going to study equation of continuity and remember this is an examination question और ये MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखिए दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शन यानी ए ऑफ अ पाइप एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप दिस इक्वेशन स्टेट्स that the product of the area of cross section of a pipe and the velocity of a fluid remains constant throughout the pipe yaad rakhiye area of cross section ka matlab hai this area ye jo cut area hai gol area hai not the surface area theek hai area of cross section ka matlab ye ab maslan ek pipe agar thick hai to iska matlab hai area of cross section zyada hai पाइप अगर थिन है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है दिस कट एरिया ये जो गोल एरिया है इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये बता रही है कि अगर किसी पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो याद रखें वेलोसिटी कम और अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा इसी वजह से द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट लेकिन एक बात आप याद रखिए इन दिस केस वी आर गोइंग टू कंसिडर आइडियल फ्लूइड और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आइडियल फ्लूइड का क्या मतलब है इसकी पांच प्रॉपर्टीज है लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो ये है नंबर वन कि द फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल एंड नंबर टू इट शुड बी नॉन विस्कस तो बेसिकली वी विल हैव टू कंसिडर द आइडियल फ्लूइड नॉट द रियल फ्लूइड फॉर द टाइम बीइंग ओके बहरहाल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा वेलोसिटी कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम वेलोसिटी ज्यादा वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस लेकिन ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या रीजन है कि अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम और एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा So we are searching for this, we are looking for this. So what is the physics behind this? What is the basic concept? What is the basic concept ki velocity, area zyada, velocity kam, area kam, velocity zyada. So we are going to search it out, okay? Yaad rakhiye, by definition we say, what is velocity? Velocity is a the time rate of change of displacement ठीक है अगर आप ये वैल्यू इधर लिखें तो आई राइट ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ठीक है और आपको पता है कि व्हाट इज ए डेल्टा एक्स याद रखिए ए एक्स डेल्टा एक्स का मतलब है वॉल्यूम ठीक है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरिया क्रॉस सेक्शन है और दिस इज सपोज डेल्टा एक्स तो इस एरिया को अगर आप इस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट वॉल्यूम बिकॉज एरिया इज टू डायमेंशनल दिस इज वन डायमेंशनल वॉल्यूम इज थ्री डायमेंशनल इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है मीटर meter square multiplied by meter meter cube so you are getting the unit of volume ठीक है तो इसका मतलब है volume a delta x का ये volume अगर आप इधर put करें तो देखिए I'll write a sorry delta v divided by delta t is equal to constant याद रखिए this is another mathematical form of the equation of continuity इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक मैथमेटिकल फॉर्म ये है और दूसरा जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है
And what does this equation say? This equation states that the volume flow rate of a fluid remains constant throughout a pipe. देखिए, this equation can be stated like this. कि this equation states that the volume flow rate of a fluid means of an ideal fluid, for example, the volume flow rate of a fluid remains constant throughout the pipe. The volume flow rate. Volume flow rate का मतलब है delta V by delta T. Volume flow rate का मतलब है ये the flow of volume of a fluid per unit time. ठीक है? The volume flow rate of a fluid remains constant throughout the pipe. Throughout the pipe. ठीक है? For example, देखिए, I am going to consider a particular portion of the pipe here. Let us suppose अगर इस portion का area है A1 और इधर जो velocity है it is V1 और ये जो displacement है ये है delta x1. तो आप लोग जरा गौर से देखें, यहाँ पर अगर area है A1 और ये distance है delta x1. तो देखिए, यहां से कितना वॉल्यूम टाइम डेल्टा टी में फ्लो कर रहा है ए वन डेल्टा एक्स वन, यहां से कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा. अगर इसका एरिया है ए टू और वेलोसिटी है वी टू, तो यहां से कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा ए टू, ठीक है, एंड डेल्टा एक्स टू. अब आप गौर से देखेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये बता रही है कि जितना वॉल्यूम इन अ पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी यहां से गुजर रहा है उतना वॉल्यूम यहां से गुजरेगा. अब यहां से कितना वॉल्यूम गुजर रहा है ए वन डेल्टा एक्स वन, यहां से कितना वॉल्यूम गुजर रहा है ए टू डेल्टा एक्स टू. और ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम आपस में बराबर होंगे. तो इन अदर वर्ड्स, अगर आप इसको लेट अस सपोज डेल्टा टी से डिवाइड करें, इसको भी डेल्टा टी से डिवाइड करें, तो देखो ये एरिया क्या है, ये एरिया ज्यादा है और डेल्टा एक्स वन कम है. तो व्हाट इज डेल्टा एक्स वन बाय डेल्टा टी, ये हमारे पास है वेलोसिटी. और यहां पर आप देखिए एरिया कम है और डेल्टा एक्स टू ज्यादा है, तो डेल्टा एक्स टू बाय डेल्टा टी क्या होगा, ज्यादा. A2 कम है, V2 ज्यादा होगा. यहां पर आप देखें एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा. अब क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द बेसिक्स बेसिक फिजिक्स बिहाइंड दिस. तो देखो ये डेल्टा x1 कम है, अगर डेल्टा x1 कम है और फ्लूइड ने का सेम वॉल्यूम जो है वो टाइम डेल्टा टी में फ्लो करेगा. देखो अगर डेल्टा एक्स वन कम है तो कम का मतलब है कि द फ्लूइड शुड गो स्लोली, तो तब इतना वॉल्यूम टाइम डेल्टा टी में फ्लो करेगा. वहां पर देखिए ए टू कम है, डेल्टा एक्स टू ज्यादा है. देखिए डेल्टा एक्स टू अगर ज्यादा है तो द फ्लूइड शुड गो फास्टर एंड फास्टर, तो तब उतना वॉल्यूम सेम टाइम में फ्लो करेगा. अदरवाइज दोबारा आप देखिए इस पोर्शन का एरिया देखिए ज्यादा है, डेल्टा एक्स वन कम है. डेल्टा एक्स वन अगर कम है तो द फ्लूइड शुड फ्लो स्लोली, तो सब टाइम डेल्टा टी में उतना वॉल्यूम फ्लो करेगा. वहां पर ए टू कम है तो डेल्टा एक्स टू ज्यादा होना चाहिए.
अगर डेल्टा x2 ज्यादा है तो द फ्लूइड शुड फ्लो फास्टर एंड फास्टर, तो तब उतना वॉल्यूम सेम टाइम में फ्लो करेगा, अदरवाइज ना। लेकिन देखिए आखिर रीजन क्या है, इस तरह क्यों होता है, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक फिजिक्स बिहाइंड दिस, इस तरह क्यों होता है। लुक एट, याद रखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को वी विल डिराइव फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास, और आपको पता है कि हमारे पास बेसिक चार लॉज ऑफ कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम कहां से डिराइव करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास से। अब क्वेश्चन ये है कि पर यूनिट टाइम यहां से जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है वो पर यूनिट टाइम यहां से भी फ्लो करेगा, तो क्यों, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस। तो आप कुछ जरा गौर से देखिए, हमारे पास डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने डेल्टा एम क्यों लिया, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंसिडर ओनली दिस पोर्शन, या आई एम गोइंग टू कंसिडर ओनली दिस पोर्शन, ओके। याद रखिए मैं देखिए डेल्टा एम इज कॉन्स्टेंट, डेल्टा एम मास इज कंजर्व्ड, मास इज कॉन्स्टेंट, और देखिए डेंसिटी तो है कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जो फ्लूड यहां से गुजर रही है सेम फ्लूड इज ऑल्सो पासिंग थ्रू हेयर, मतलब यहां से वाटर फ्लो कर रहा है तो यहां तो पानी नहीं बनता, मतलब अगर यहां वाटर है तो यहां पर भी वाटर होगा, तो इसका मतलब है डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, मास भी कॉन्स्टेंट है। तो देखें अगर आप ऐसा करें कि यहां से डेल्टा वी कैलकुलेट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा, तो जरा गौर से देखें कि व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस। लुक एट, मास हमारे पास कॉन्स्टेंट है, क्यों कॉन्स्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और डेंसिटी तो है कॉन्स्टेंट, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंसिडर द सेम फ्लूइड, अगरचे ये आइडियल फ्लूइड है, लेकिन देखो डेल्टा एम इज कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रो इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट बाय कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर डेल्टा वी मस्ट बी कॉन्स्टेंट। यानी जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां से गुजर रहा है उतना वॉल्यूम यहां से गुजरेगा। तो अब आप जरा गौर से देखिए कितना वॉल्यूम यहां से गुजर रहा है, ए वन डेल्टा एक्स वन, और कितना यहां से गुजर रहा है, ए टू डेल्टा एक्स टू, ये दोनों वॉल्यूम्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए a1 हमारे पास क्या है, ज्यादा डेल्टा x1 कम, और ये a2 कम डेल्टा x2 ज्यादा। अगर आप इसको डेल्टा t से डिवाइड करें और इसको भी डेल्टा t से डिवाइड करें, तो देखिए ये एरिया ज्यादा है तो ये वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी कम, और ये एरिया कम है तो ये वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। a1 ज्यादा है तो v1 कम, a2 कम है तो v2 ज्यादा। Why? To conserve the mass. In other words, to conserve the volume. यानी जितना volume per unit time यहाँ से गुजरेगा, तो same volume per unit time यहाँ से भी गुजरेगा, ठीक है? तो now we are going to derive the equation of continuity from the conservation of mass. याद रखिए कभी कभार MCQs में आ जाता है कि equation of continuity is based on, equation of continuity is based on, तो नीचे लिखा हुआ होता है conservation of mass, conservation of charge, conservation of momentum, conservation of energy. तो please remember the equation of continuity is based on the conservation of mass. We will derive this equation from the conservation of mass. According to the law of conservation of mass, we will derive this equation. इसके बाद एक equation है, उसे Bernoulli equation कहते हैं. That is based on the conservation of energy. लेकिन याद रखिए, this is based on the conservation of mass. तो now we are going to derive this. ठीक है?
देखिए, we are going to prove this equation, to derive this equation. तो आप लोग लिखे applying the law of conservation of, आप ऐसा करें नोटबुक और पेन ले लें और एक एक स्टेप लेके आप लिखे applying the law of conservation of mass. तो देखिए, जितना mass इस portion number one से गुजर रहा है in a particular time interval delta t, the same mass will flow through that portion in the same time. So delta n1 is equal to delta n2. This is like equation number one. What is this? This is the law of conservation of mass. Okay, this is the law of conservation of mass. Now we are going to calculate delta n1 and delta m2, and then by putting the values we will get the equation of continuity. अच्छा, एक बात आप याद रखिए, इसे equation of continuity क्यों कहते हैं? Continuity का मतलब है कि जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां से गुजर रहा है उतना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां से भी गुजरेगा वहां से भी गुजरेगा वहां से भी गुजरेगा, यानी इसमें देयर विल बी अ कंटिन्यूटी. जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां से गुजरेगा उतना वहां से भी वहां से भी वहां से, सो देयर विल बी अ कंटिन्यूटी. Therefore, this is called equation of continuity. Now look at it. आपको पता है डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम. I am considering this portion. Okay. So for this portion, density बराबर है delta m1 divided by delta. यहां से अगर आप डेल्टा एन वन कैलकुलेट करें तो डेल्टा एन वन इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी वन. ठीक है, दिस इज लाइक इक्वेशन नंबर. एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन? देखिए, इस पोर्शन का वॉल्यूम क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स वन. अगर आप इस पाइप की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इस डेल्टा एक्स वन से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट वॉल्यूम. तो देखिए, एरिया है डेल्टा ए वन, सॉरी ए वन, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है डेल्टा एक्स वन. ठीक है, इसे इधर पुट करो तो हमारे पास डेल्टा एन वन आ जाएगा. इस डेल्टा वी वन की जगह ये वैल्यू पुट करो, शाबाश, तो आ जाएगा रो ए वन डेल्टा एक्स वन. दिस इज लाइक इक्वेशन नंबर थ्री. नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन दिस पोर्शन? तो याद रखिए, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. By definition, velocity is delta x1 by delta t. Velocity means the time rate of change of displacement. और यहां से अगर आप delta x1 के कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा v1 into delta t. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दिस इज लाइक इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4 को 3 में बदलें तो देखिए हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एम वन रो अपनी जगह पर लेके, ए वन अपनी जगह पर लेके, डेल्टा एक्स वन की जगह लेके वी वन इंटू डेल्टा टी. दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, यानी दिस मच मेस इज पासिंग थ्रू दिस पोर्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी. सिमिलरली, दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, दिस इज अकवर. देखिए, सिमिलरली यहां से कितना मेस गुजरेगा, तो आई राइट डेल्टा एम टू इज इक्वल टू, देखिए इधर रो है तो निर्गो रो, रो मीन्स डेंसिटी, डेंसिटी यहां पर, डेंसिटी वहां पर, रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ए वन की जगह लिखो ए टू, वी वन की जगह लिखो
okay, time is the same, तो delta t, this is let equation number 6. अब आप ऐसा करें कि put equation 5 and 6 in number 1. What term? Equation number 5 and 6 in equation number 1. So, देखिए, what is delta n1? I will write home a1 V1 delta T. And what is this? This is rho A2 V2 into delta T. देखिए ये rho rho के साथ cancel और delta T के साथ cancel. ठीक है? So we are getting Shabash, we are getting A1 V1 is equal to A2 V2. This is the equation of continuity. ठीक है? देखो, first portion का area of cross section क्या है? ज्यादा, तो velocity कम. वेलोसिटी क्यों कम है? क्योंकि डेल्टा x1 बाय डेल्टा t कम है, डेल्टा x1 कम है. वहां पर आप देखिए a2 क्या है? कम. वेलोसिटी ज्यादा. क्यों ज्यादा है? क्योंकि डेल्टा x2 बाय डेल्टा t ज्यादा है. तो देखिए a1 ज्यादा, v1 कम, a2 कम, v2 ज्यादा. इसका मतलब है कि अगर एरिया ज्यादा है, वेलोसिटी कम, एरिया कम, वेलोसिटी ज्यादा, the product remains a constant, which is called equation of continuity. और अगर आप इसे generalize करें, देखिए, if there are so many portions in a tube या in a pipe, then I will write a1 v1 is equal to a2 v2 is equal to a3 v3 is equal to a4 v4 is equal to an और अगर इसे generalize करें तो यू से a v is equal to constant. ठीक है, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि the product of the area cross section of a pipe and the velocity of an ideal fluid remains constant. ठीक है, लेकिन देखिए इस equation को हम इस तरह भी लिख सकते हैं. What is velocity? Velocity is delta x by delta t. इसे आप इधर put करें a delta x divided by delta t remains a constant. And what is a delta x? देखिए a delta x का मतलब है वॉल्यूम. तो ये अगर आप इधर पुट करें तो देखिए delta v divided by delta t is equal to constant, which is another mathematical form of the equation of ठीक है. तो एक फॉर्म देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं, कभी कभार इस तरह लिखते हैं, और कभी कभार जब जरूरत हो एमसीक्यूज में या न्यूमेरिकल्स में तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं. एंड दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड रिमेंस अ कांस्टेंट थ्रू आउट अ पाइप. क्यों? क्योंकि मास सिस्टम आउट और डेंसिटी इज कांस्टेंट. तो व्हेन डेंसिटी इज द सेम मास सिस्टम्स आर ऑटोमेटिकली जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां से गुजरेगा उतना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम वहां से भी गुजरेगा. देखिए आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड. देखो हमारे पास अगर ये एक टैप है, दिस इज अ टैप. टैप मीन्स नलका, पानी का नलका है. ठीक है, और दिस इज तस्वीर तक टूटे हुए बनवावट और एक मेबी शावर. ठीक है, इट इज लाइक दिस. देखो इससे जब पानी नीचे आ रहा होता है तो आपने देखा होगा कि शुरू में, देखिए शुरू में पानी की वेलोसिटी क्या होती है? कम. In the beginning, the velocity of water is less. शुरू में
पानी की वेलोसिटी कम। वेलोसिटी कम तो आप देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। व्हाई? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन देखिए ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी, जब ये पानी नीचे आ रहा होता है तो ग्रेविटी की वजह से पानी की वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है, और जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो आपने देखा होगा कि इसका एरिया क्रॉस सेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। लेकिन नीचे वेलोसिटी ज्यादा तो एरिया क्रॉस सेक्शन कम। तो व्हाई डज दिस हैपन? इट इज ड्यू टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए शुरू में वेलोसिटी कम तो एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा, जब वाटर नीचे आ रहा होता है तो वाटर गेन्स वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स वाटर गेन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीजेस। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस तो वी कैन से द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस। तो फोर्स से देखिए यहां पर वेलोसिटी कम एरिया ज्यादा, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा एरिया कम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्यों? ताकि जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां से गुजर रहा हो उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम यहां से भी गुजरे। थैंक यू वेरी मच।